हमारी कहानी की शुरुआत होती है 20th century की शुरुआत से, और ये कहानी एक सच्ची कहानी है। ये कहानी है जब हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था। भारत के एक छोटे गरीब परिवार में सालों पहले एक महान गणितज्ञ का जन्म हुआ, जिसके ज्ञान की ताकत ने पूरी दुनिया को चौंका दिया और उसकी एक अलग पहचान बनी। पहले हम सिर्फ आर्यभट्ट, जो शून्य की खोज की, पर बाद में और एक महान गणितज्ञ ने जगह ली, जो सिर्फ 33 साल तक ही जीवन जी सके, और भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन थे। रामानुजन एक पढ़े लिखे इंसान नहीं थे और ना ही उनके पास कोई डिग्री थी, लेकिन फिर भी उनको गणित से लगाव था। वे मंदिर में जाकर मंदिर को फर्श पर गणित को सॉल्व करते हैं। मशहूर है कि रामानुजन गणित के एक सवाल को 100 से भी ज्यादा तरीकों से सॉल्व कर सकते थे। इसी खासियत ने उन्हें दुनिया में गणित के गुरु का दर्जा दिला दिया। श्रीनिवास रामानुजन का बचपन अन्य बच्चों जैसा सामान्य नहीं था। 3 साल तक की उम्र में वो बोल नहीं पाते थे, जिसकी वजह से उनके माता पिता को लगता था कि कहीं रामानुजन गूंगे तो नहीं हैं। वे विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, उनकी प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं थी। रामानुजन का जीवन मात्र 33 साल तक रहा। रामानुजन की जीवनी लिखने वाले रॉबर्ट केनिगल के मुताबिक 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड शहर में जन्मे एक प्रतिभा कम उम्र में ही अपने दोस्तों को पढ़ाने लगी। कहा यह भी जाता है कि 7वीं कक्षा में आते आते वे बीए के छात्रों को गणित पढ़ाने लगे थे। अक्सर ही उनके शिक्षकों के पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं होता था। उनका मानना था कि गणित में कोई भी खोज करना ईश्वर की खोज करने जैसा है। उन्हें विश्वास था कि गणित से ही ईश्वर का सही स्वरूप स्पष्ट हो सकता है। 1898 में रामानुजन ने हाई स्कूल में दाखिला लिया। इसी दौरान उन्हें गणितज्ञ जे एस कार की लिखी एक किताब और साइनोपेसिस एलिमेंट्री रिजल्ट इन प्योर अप्लाइड मैथमेटिक्स की 5000 से भी अधिक प्रमेय को प्रमाणित और सिद्ध किया। इस कारण रामानुजन को महान गणितज्ञों में नाम लिया जाता है। इसलिए हॉलीवुड ने भी उनके सम्मान में मूवी बनाई। इस मूवी में जीवन चरित्र के बारे में बताया है। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में कुछ ऐसे ही रोमांच सफर के साथ।